हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो यहाँ पर जो भी NIS बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है। मैं यहाँ पर बता दूँ कि NIS बोर्ड के चाहे वो 10वीं के स्टूडेंट हो चाहे वो 12वीं के स्टूडेंट हो, उनको प्रमोट करने का जो विचार किया जा रहा है। कल जो मीटिंग हुई थी उसमें सब लोग यही कह रहे थे, चाहे वो NIS के चीफ हो या फिर NIS के टीचर, पेरेंट्स, बच्चे, सब लोग यही कह रहे हैं कि NIS के बच्चों को जो प्रमोट किया जाए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी NIS के बच्चों को जो प्रमोट किया जाए वो 10वीं और 12वीं दोनों के छात्रों को। हम आपको बता दें कि इस समय जो है कल की बात करूँ तो कल यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी अपने अपने रिजल्ट घोषित कर दिए थे, और मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी अपने स्टूडेंट को जो है वो दो सब्जेक्टों में जो है वो प्रमोट किया है। तो इस समय NIS पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है बच्चों को जो प्रमोट करने को लेकर, क्योंकि पेरेंट्स ने ये कहा है कि हमारे बच्चे का जो ये साल बर्बाद हो सकता है। तो NIS ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी भी बच्चे का जो है यहाँ पर साल बर्बाद हो। तो NIS के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि फाइनली जो 10वीं के और 12वीं के स्टूडेंट हैं उनको जो प्रमोट करने का जो है विचार किया जा रहा है, और इसको लेकर NIS जो है जल्दी कुछ जो है वो घोषणा कर सकती है एग्ज़ाम प्रमोट करने को लेकर। हम आपको बता दें कि इस समय देश में जिस तरह से COVID-19 का माहौल है, इस समय एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है, और इस जुलाई के महीने में जो है वो कोई भी एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा। तो बस यहाँ पर एक ही रास्ता बचता है कि NIS के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो 10वीं के छात्र हैं या फिर 12वीं के छात्र हैं, उनको सीधा जो है प्रमोट कर दिया जाए। और आपको हम ये भी बता दें कि यहाँ पे सारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स, टीचर, उनके पेरेंट्स, सभी का यही कहना है कि इस समय जो है वो स्टूडेंट को जो प्रमोट कर दिया जाए और यहाँ पे एक स्टूडेंट से एग्ज़ाम न लिया जाए, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम देना जो और इस माहौल में एग्ज़ाम देना जाना काफ़ी ज़्यादा जो और रिस्की हो सकता है। तो इस समय जितने भी NIS बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है कि उनको जो है 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट जो भी हैं उन सभी को जो प्रमोट करने का जो विचार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है वो NIS बोर्ड ने नोटिफिकेशन रिलीज करके कहा था कि यहाँ पर जो हैंडीकेप्ड और जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी यहाँ पर जो हम प्रमोट करेंगे। तो उनको भी प्रमोट करने का एक तरीका रखा गया है कि उनको सिर्फ प्रोजेक्ट और जो असेसमेंट जो है अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाने हैं, और उसी के भी हिसाब से उनको जो मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे NIS बोर्ड भी आपको जो है जो 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनको प्रमोट करने के लेकर के कुछ बड़ा घोषणा कर सकता है। और हाँ, अब यहाँ पे NIS बोर्ड कैसे प्रमोट करेगा ये जब NIS बोर्ड का नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको मालूम पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस समय NIS बोर्ड ज़्यादा फेवर में है कि यहाँ पे स्टूडेंट को जो है प्रमोट किया जाए, ठीक है। एग्ज़ाम होने के चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी NIS बोर्ड के स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी NIS बोर्ड से न्यूज आ रही है अगर आती है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।